भाई को जिंदा रखने के लिए हमें भाई दिनेश पांडोर को जयपुर विधानसभा के भीतर भेजना है, और वहां जाकर के हमारी मांग को, भील प्रदेश की मांग को, जगदीश भाई के सपने को हमें पूरी उम्मीद है और ये यकीन है कि दिनेश भाई पूरा करेंगे। ये बात हम सबको अपने अपने लोगों तक पहुंचा देनी है। हमारा चुनाव चिन्ह हॉकी का जरूर ध्यान रखिएगा, उसको जरूर अपने हाथ में रखिए, हाथ में लेकर के जाइए, लोगों को बताना जरूरी है, क्योंकि जब मतदान केंद्र पर पेटी आएगी तब वहां पर हमारे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होते हैं, उनको पता नहीं होता कि चुनाव चिन्ह क्या है। तो अपने हाथ में एक हॉकी जरूर रखिए ताकि लोगों को बता सके कि हमारा चुनाव चिन्ह यह है और इस तरीके से मतदान हम लोगों को डालना है। भाषण की बात नहीं, हम सबको अब जमीन पर उतर के काम करने की जरूरत है। हम कल और परसों पिछले दो दिनों से कांति दादा के साथ में वहाँ काम कर रहे थे और वहाँ भी इसी तरीके से लोगों ने कांति दादा को और भील प्रदेश की जो तमाम लोग थे उन सब ने हमारे भारत आदिवासी पार्टी के तमाम सदस्यों को अलग अलग इलाकों में मजबूती देने का काम किया है। यहाँ पर हम लोग दिनेश भाई को मजबूती देंगे, भारत आदिवासी पार्टी को मजबूती देंगे। तो आने वाला दिनों में ये याद रखिएगा कि हमारे बिना राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा। ये भी याद रखिए इस बार का मुख्यमंत्री कौन होगा ये भारत आदिवासी पार्टी तय करेगी, ये घाटोल की जनता तय करेगी, ये डूंगरपुर चौरासी सागवाड़ा इनकी जनता तय करेगी, पूरा उदयपुर संभाग तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा और कौन नहीं होगा। इसलिए जब वोट दिनेश भाई को दे तो दोनों चीजों को याद रखना है, जगदीश भाई के सपनों को और हमारे आगे आने वाली लड़ाई को, भील प्रदेश को, और तभी जा करके हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। खूल जोहार जितेंद्र जी को।